नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तोमर डील। दोस्तों आज की वीडियो बनाई है व्हाट्सएप का बैकअप आप किस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी मिस कर दी तो फिर आप ये मत कहिएगा कि यार मैं तो अपने व्हाट्सएप का बैकअप जो है इंस्टॉल कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट तक भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप कहीं ना कहीं उन चीजों को मिस कर जाएंगे तो आप अपने इसका जो व्हाट्सएप का बैकअप है वो ले तो लेंगे, लेकिन उसको आप दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे अपने नए फोन में जहां पर भी आप इसको यूज करना चाहते हैं। फिलहाल देरी नहीं करते दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इनेबल कर लीजिएगा, जिसके मेरी सभी वीडियोस जो भी हैं वो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के साथ साथ दोस्तों सबसे पहले मुझे अपनी जो स्क्रीन है मोबाइल की वो आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो थोड़ा साइड आकर अपनी मोबाइल की स्क्रीन दोस्तों आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन जो है आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको जाना है अपने व्हाट्सएप के ऊपर। यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी, अगर आपके उसमें ऑलरेडी सेव होगा ये व्हाट्सएप तो आप वहां से व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं फिंगरप्रिंट इनेबल सेंसर जो है वो मुझसे मांग रहा है मेरी फिंगर। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये मतलब किस तरह से आप अपने व्हाट्सएप के अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल आई बटन पर आपको वो एप्लीकेशन का लिंक, जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद दोबारा जाएगा क्योंकि नहीं तो आप ये वीडियो मिस कर देंगे। तो दोस्तों आप इसको इनेबल कर सकते हैं अपना फिंगर टच करके, और टच करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर तीन डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपको उन तीन डॉट्स पर जाना है, और तीन डॉट्स पर जाने के बाद आपको यहां एक और फीचर मिल जाएगा जो है इस व्हाट्सएप की सेटिंग का। दोस्तों आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पर टिक करना है, और टिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो चुके हैं, लाइक कि प्राइवेसी, सिक्योरिटी, चेंज नंबर, जो कुछ है वो अकाउंट्स के अंदर मिल जाएगा, और साथ में चैट्स के अंदर थीम, वॉलपेपर, चैट हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। फिलहाल हमें जाना है इसके चैट ऑप्शन के ऊपर, और चैट ऑप्शन में जाने के बाद हमें अपने बैकअप को सिलेक्ट करना है। अब ये बैकअप को सिलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। आपको चैट पर टिक कर लेते हैं, और चैट पर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है चैट बैकअप करके, आपको इस पर टिक करना है। दोस्तों जैसे आप टिक करेंगे इस चैट बैकअप पर तो आप देख सकते हैं एक ऑप्शन पूरा खुल जाता है। ये यहां पर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं नीचे वाले ऑप्शन की बात करता हूं, जो नीचे वाला हिस्सा अभी आप इस वक्त जो हाईलाइटेड है उस नीचे हिस्से की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है बैकअप अप ड्राइव, यानी कि आप ड्राइव पे कब बैकअप को लेना चाहते हैं, वीकली लेना चाहते हैं, इसको टिक करेंगे तो यहां लिख जाएगा कभी नहीं लेना चाहते हैं, ओनली व्हेन आई टेक बैकअप का बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तब वो, या फिर डेली, वीकली या मंथली, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जैसे भी आपकी कन्वीनियंट हो। उसके ऊपर आता है, उसके नीचे आता है दोस्तों गूगल अकाउंट। अब ये यहां ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जिस भी ईमेल आईडी से आपका फोन इंस्टॉल है यानी फोन एक्टिवेट है, क्योंकि जब भी आप एक्टिवेट करते हैं तो कोई ना कोई गूगल ड्राइव पे मतलब कोई जीमेल आईडी जरूर डालते होंगे, तो दोस्तों वो ही ये जीमेल आईडी है जो आपको यहां पर भी डालनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इस ईमेल आईडी से बैकअप ले रहे हैं तो जैसे बात है इसी ईमेल आईडी से आप अपने दूसरे फोन को भी एक्टिवेट करेंगे। दूसरे फोन को एक्टिवेट करने से ये होगा दोस्तों, इसी ईमेल आईडी से जो आप जिससे आप इसका बैकअप लेंगे या जो आपके फोन में ऑलरेडी एक्टिवेट है, कि आपके सारे अकाउंट्स, फोटो, सब कुछ आपके सिर्फ एक ईमेल आईडी पर बैकअप हो जाते हैं, तो वहां से आप अपने नए फोन के अंदर भी अपने सारे फोटोज, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स और अपनी व्हाट्सएप की हिस्ट्री वहां से पा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर वही ईमेल आईडी डालिएगा जो आप अपने फोन को जिससे मतलब आपने एक्टिवेट किया हुआ। उसके नीचे दोस्तों बैकअप ओवर वाईफाई पे टिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, वाईफाई और सेल्यूलर, दोनों में से किसी पे भी आप टिक कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप बैकअप वाईफाई और सेल्यूलर वाले बटन पर टिक कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड वीडियो का ऑप्शन भी है दोस्तों, आप चाहे तो अपना इंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी वीडियोस का बैकअप भी सभी हो, अगर आपके पास में इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं तो यहां पर आप इसको टिक कर दीजिए, और टिक करने के बाद आपकी जो भी बैकअप होगा आपकी वीडियो का भी बैकअप लिया जाएगा, यानी कि जब कभी आप बैकअप को अपने दूसरे फोन में डालेंगे तो वहां पर वो सारी वीडियो भी आ जाएंगी जो आपके पहले वाले फोन में थी। तो दोस्तों अब आ जाते हैं ऊपर वाले ऑप्शन में। तो दोस्तों यहां पर जब आप ये एक्टिवेट कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा अपने व्हाट्सएप को डिलीट करने से पहले ये सब नीचे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसको एक्टिवेट करना है, ये सब करना है, और करने के बाद आप ऊपर वाले हिस्से पर जाकर बैकअप का बटन जो है एक बार क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं बैकअप इन प्रोसेस जो है दोस्तों वो होना शुरू हो चुका है। वैसे मैंने वीकली किया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली वैसे भी बैकअप हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप बैकअप करते हैं तो पूरा बैकअप जो है आपके फोन के अंदर सेव हो जाएगा, और फोन में सेव होने के बाद जब कभी भी दोस्तों आप अपने फोन में अपने फोन के व्हाट्सएप को डिलीट करते हैं और दूसरे फोन पर स्विच करते हैं, दूसरे फोन के अंदर भी अगर सेम ही ईमेल आईडी है तो दोस्तों आपका बैकअप पूरा का पूरा इंक्लूड वीडियो, अगर आपने ऑप्शन लिया हुआ है तो सारा दूसरे फोन के अंदर
एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें भी क्या है दोस्तों, बस आप जैसे ही व्हाट्सएप पे इंक्लूड अपना नंबर एक्टिवेट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा बैकअप को आपको दोबारा लेना है। तो दोस्तों वहां पर बस आपको ईमेल आईडी डालनी है और वो ईमेल आईडी आपके पास ऑलरेडी होगी, बस आप जैसे ओके करेंगे आपका सारा बैकअप आपके दूसरे व्हाट्सएप यानी दूसरे फोन में आ जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, आई बिलीव कि आपको ये अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन इनेबल कर लीजिएगा और मेरी जितनी भी वीडियोस आती है आपको सभी टेक रिलेटेड मिलेंगी, डेफिनेटली आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली होंगी। तो बस आप चैनल पर बने रहकर वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।